हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ट्रैकर जोन में। फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज की तरफ से नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो इसी के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। कौन कौन लोग एलिजिबल होने वाले हैं सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। ऑल इंडिया इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। फ्रेशर से यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है इसकी नोटिफिकेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ये एक अच्छी बात है। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की टोटल 138 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है और जो सैलरी दी जा रही है कंपनी की तरफ से 56,000 प्लस HRA दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो पोस्ट होने वाली है आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की पोस्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल होने वाले हैं। यदि आपने BE/BTECH किया हुआ है या MEMTECH किया हुआ है या डिप्लोमा किया है, BSc किया हुआ है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। BE/BTECH किया हुआ है आपने इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, आर्किटेक्चर से, CS से, IT से, केमिकल से, सिविल से, यदि आप इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल होने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए। इस वीडियो को पूरी देखिएगा और यदि आप वीडियो को छोड़ रहे हैं तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली आपके लिए जो नोटिफिकेशन है इस चैनल पे आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं किस तरीके से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे जो इनकी तरफ से PDF निकाली गई है, देखिए इस PDF पे हम लोग आए हुए हैं। PDF में यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की जो डिफरेंट वैकेंसीज निकाली गई है, यहाँ पे वैकेंसीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन किया गया है। यहाँ पे एज लिमिट भी इनकी तरफ से बताया गया है, 45 इयर्स एंड 35 इयर्स। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स है। और इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए अलग अलग बताई गई है। जैसे हम लोग पोस्ट कोड नंबर 10 पे आते हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की वैकेंसी इनकी तरफ से निकाली गई है। टोटल 31 वैकेंसी है और एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 35 इयर्स इनकी तरफ से रखा गया है। आपको जो सैलरी दिया जाएगा इनकी तरफ से 56,000 प्लस HRA दे दिया जाएगा। यदि आपने MEMTECH किया हुआ है या BE/BTECH बिलोंग करते हैं मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन से, आपके पास 60% मार्क्स है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिजायरेबल में इन्हें एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक या एक साल से ज्यादा आपके पास इस डोमेन में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रिफरेंस दिया जाएगा। यदि आप फ्रेशर से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं पोस्ट कोड 11 में, यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए 2 वैकेंसी मेंशन की गई है। सैलरी वही है 56,000 प्लस HRA। यहाँ पे जो मास्टर साइंस के लिए यानी कि MSc, MTech, MSc टेक्निकल में किया हुआ है इन ब्रांचेस से, या आपने BE/BTECH किया हुआ है ओशन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए भी। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है इस डोमेन में, तो आप देख सकते हैं ये प्रिफरेंस जो है डिजायरेबल है, यानी कि एक्सपीरियंस यदि आपके पास नहीं है, आप फ्रेशर हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड नंबर 12 में 1 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, MSc, MTech, MSc किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ BE/BTECH वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं इस पोस्ट कोड के लिए, तो यहाँ पे पोस्ट कोड नंबर आपको आ जाना है 17 पे। पोस्ट कोड नंबर 17 पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे 7 वैकेंसी इनकी तरफ से बताई गई है, 56,000 प्लस HRA यहाँ पे आपको सैलरी दिया जाएगा। MSc, MTech किया हुआ है या बैचलर किया हुआ है, आपने बैचलर डिग्री BE/BTECH किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या IT में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस यदि यहाँ पे जो इनकी तरफ से बताया गया है प्रेफरेबल दिया गया है, यदि आपके पास होगा तो एक अच्छी बात होगी, आपको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। पोस्ट कोड नंबर 18 पे यहाँ पे 3 वैकेंसीज है, एज लिमिट वही 35 इयर्स है, MSc किया हुआ है, MTech किया हुआ है, बैचलर डिग्री आपने किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में यदि PhD किया हुआ है या आपके पास एक्सपीरियंस है इस डोमेन में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया पोस्ट कोड 19 में 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई इनकी तरफ से, बैचलर डिग्री यदि आपने सिविल में किया है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड नंबर 20 मास्टर डिग्री यदि आपने किया हुआ है कम्युनिकेशन में तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बैचलर डिग्री यदि आपने किया हुआ है मैकेनिकल में, एनवायरमेंटल में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इनकी तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा वालों के लिए बात करने वाले हैं कि डिप्लोमा यदि आपने किया है तो आपके लिए ये पोस्ट होने वाली है। पोस्ट कोड 21 जो होने वाली है प्रोजेक्ट असिस्टेंट
रेंज के लिए टोटल 15 वैकेंसीज हैं। 50 इयर्स एज लिमिट मैक्सिमम रखी गई है। यहाँ सैलरी 20,000 प्लस एचआरए आपको दिया जा रहा है। यदि आपने बीएससी किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी डिजायरेबल इनकी तरफ से कहा गया है। उसके बाद पोस्ट कोड नंबर 22, यहाँ पे बीएससी यदि आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल में, मेकाट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड नंबर आप नीचे आते हैं 23 में, तो यहाँ पे पोस्ट कोड नंबर 20 बीएससी वाले यदि है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए जितनी पोस्ट कोड यहाँ पे बतानी थी मैंने आपसे जो एक्सपीरियंस बेसिस पे नहीं था, जो इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते थे, वो मैंने आपसे इसके लिए डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे और भी बहुत वैकेंसी निकाली गई है जो कि एक्सपीरियंस बेसिस पे, यदि आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो एक बार आप नोटिफिकेशन जो है इस पीडीएफ की जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे इसके बाद इनकी तरफ से बताया गया है कि लास्ट डेट एप्लीकेशन को अप्लाई करने की 9 सितंबर होने वाली है, तो इस डेट से पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे में आते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन बताया है कि सिलेक्शन यहाँ पे 1 से लेके 3 एंड जो 6 पोस्ट कोड है यहाँ पे रिटर्न या इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, और जो 4 और 5 जो पोस्ट कोड है सीरियल नंबर में यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के मोड पे सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कोई भी आपको पैसा नहीं देने की जरूरत है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपको तो आप इस मेल आईडी पे आप मेल करके आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स बस यही था इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपसे सब कुछ डिस्कस किया है। यदि आपको तब भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली जो कोई भी नई नोटिफिकेशन है जॉब की आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। We'll be right back.